हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल की द बाइकर में। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है रॉयल एनफील्ड BS6 में मैं साइलेंसर लगाऊंगा, ग्लोब कंपनी का डॉल्फिन साइलेंसर। तो ये साइलेंसर मैंने अमेजोन से मंगाया है और इसका प्राइस है 3,100 रुपये। तो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं इसको आपको अपनी बाइक में जो BS6 है उसमें स्टैंडर्ड में लगा के दिखाऊंगा और कैसी आवाज़ आती है वो भी सुनिएगा। तो इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, ग्लोब की ब्रांडिंग दी हुई है और ग्लोब के साइलेंसर बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखिए ग्लोब की ब्रांडिंग है और देखने में कैसा होता है खोलते हैं इसे, लुक वाइज कैसा आता है वो देखते हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप साइलेंसर लगवाएं ये ध्यान रखिए उसमें पटाखा नहीं बजना चाहिए। अगर पटाखा बजता है तो वो उस पर चलान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर पटाखा नहीं बजता तब भी चलान होने के चांस रहते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि पुलिस वाला आपको जब भी देखेगा आके आप चलिए चेक करेगा चल पटाखा बज रहा है कि नहीं बज रहा। तो इसके अंदर तो अब कुछ नहीं है। तो आप लोग ये देखिए, ये है साइलेंसर और इसके साथ इन्होंने क्या दिया है, एक तो इन्होंने ये दिए हैं क्लैंप और बुश दिया है और ये इन्होंने नट बोल्ट दिए हैं। तो इसे खोलते हैं। पैकिंग बहुत काफ़ी अच्छी करी है ग्लोब कंपनी ने। वैसे अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो करोल बाग जा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से लगवा सकते हैं, और दिल्ली से बाहर हैं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन फरीदाबाद में रहता हूँ, दिल्ली के बॉर्डर पर ही, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना का खतरा ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, इस वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ पर। तो इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगाया और अपने आप इंस्टॉल करूँगा। ये रहा साइलेंसर इनका, ये मैंने मैट ब्लैक साइलेंसर मंगवाया है। ये देखिए ग्लोब कंपनी का साइलेंसर है और यहाँ ग्लोब की ब्रांडिंग इन्होंने कर रखी है, अपने साइलेंसर की ब्रांडिंग कर रखी है। तो ज़्यादा हैवी तो है नहीं लेकिन क्वालिटी अच्छी लग रही है। और ये हॉलो साइलेंसर है, इसमें आर पार दिख रहा है, कुछ अंदर नहीं है, बस अंदर सेरामिक वूल है इसके अंदर। तो चलिए इसे लगाते हैं अपनी बाइक में, इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं कि आवाज़ कैसी आती है।